लोकसभा के प्रथम सत्र में श्री ओम बिरला जी जो कि लोकसभा के स्पीकर बने हैं उनके द्वारा आपातकाल जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी उसके ऊपर प्रस्ताव लाया गया। हम बधाई देते हैं ओम बिरला जी 1975 में जिस तरह अपनी गद्दी को बचाने के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इंटरनल एमरजेंसी लगाई, पूरी सेंसरशिप लगाई, लोगों को बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी पूरी तरह से तानाशाही के अंदर तब्दील हो गई थी। हजारों लाखों लोगों को जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया गया। हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं और देश की तरफ से उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने लंबे समय तक आपातकाल की यातनाएं झेली, आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया, अंत तो गतवा 19 महीने के बाद चुनाव हुआ और लोकतंत्र बहाल हुआ। ऐसे लोकतंत्र सेनानी उनके प्रति भी हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो ये संविधान की किताब लेकर के इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने लगातार इस संविधान की धज्जियां उड़ाई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो मूल भावना संविधान की थी उसके ऊपर कुठाराघात किया और ये जो आपातकाल का लगाना है और आपातकाल के दौरान अनेक प्रकार के अनुच्छेद जो संविधान के बदले गए ये भारत के उस संविधान के ऊपर प्रचंड प्रहार कांग्रेस के लोगों ने किया। इसलिए इनको संविधान की प्रति और दिखा करके कुछ भी कहना ये वास्तव में थोथी बात है और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ऐसी स्थिति है।